बच्चों, माँ सरस्वती को प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़ के एक श्लोक बोलेंगे, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद देव, प्रातः कर दर्शनम, सुबह उठकर दोनों हाथों के दर्शन कीजिए। उससे हमें माँ सरस्वती के, माँ लक्ष्मी जी के और गोविंद देव जी के दर्शन होते हैं। और इसी से आज हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़िए और इसका हिंदी में अनुवाद भी कॉपी में करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। रमाबाई संस्कृत वेदुष्य पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूता विभूषिता। रमाबाई संस्कृत में पंडित सरस्वती, पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित हैं। सा 1858 तमे खिताब्दे जन्म अलभत। 1858 में उनका जन्म हुआ। तस्य पिता यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी भाई थी। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थितम चिंतिया आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा के बारे में बड़ी चिंता होती थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए कोई संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी, किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यजत स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत। उसके पिता जो थे अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने वो रूढ़िवादी जो पहले के बाहरी आडंबर थे, उन धारणाओं को त्याग करके अपनी पत्नी यानी स्वपत्नी संस्कृत अध्यात्म संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करवाया। एतदर्थम रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम अपि असत। इससे उनको समाज में घनी खूब सारे कष्ट प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। अनंतरे इसके बाद रमा अपि स्वमाता रमा पंडिता रमाबाई ने अपने भी अपि यानी भी स्वमातु यानी अपनी माता से संस्कृत से शिक्षा प्राप्त सी संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमे समय के अनुसार रमाया पिता विपन्न सज्जता सब पिता विपन्न संजात तस्य ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितम दिवंगत्ता। उनकी जो बड़ी बहन थी वो भगवान के पास चली गई देवांगनम यानी उनका निधन हो गया। तदंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्रातर स पदमभ्याम समग्रे भारते भारते भ्रमण कुर्वन्ति कोलकाता प्राप्त्या। उसके बाद वो अपने भाई के साथ कोलकाता में आई। भ्रमण करती हुई तस्य ब्रह्मा समाजे प्रभाविती वेद ध्यान अक्रोत। उन्होंने ब्रह्मा समाज में भी वेद विद्या प्राप्त की। पश्चात सा बालिका स्त्रियम कृते संस्कृतम वेद शास्त्री शास्त्र व्यसम च शिक्षते। उन्होंने वेद शिक्षा प्राप्त की, आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 में तस्मिकिदे विपिन विहार सेन सह उनके साथ न्याय विवाह अक्रोत। उनका विवाह हो गया। सार्धिक वर्षांतरम डेढ़ वर्ष के पश्चात उसके पति का निधन हो गया दिवंगत। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न कीजिए। कुछ प्रश्न उन्हें भी कीजिए।